हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बढ़िया हो गए। तो आज मैं राजा भैया की तरह ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे दीदी, मैं अभी खाना बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? फाइनली ठीक ही होंगे। मेरा भैया है दीपक भैया, तो इसलिए भैया को आप लोग लाइक कीजिए, आगे बढ़ाए, सपोर्ट कीजिए। और बहुत दिन से सोच रहा था कि दीदी से मिले, क्योंकि दीदी हमेशा कॉल पर बात कर रही थी कि आप नहीं आ रहे भैया, आप नहीं आ रहे भैया। अभी आए हुए हैं। और क्या हाल है भैया? ठीक है भैया, आप कैसे हैं? तो चलिए फाइनली अब मम्मी पापा सब लोगों को मिलवाते हैं। देखिए जीजा जी बैठे हुए। तो कैसे जीजा जी? दीपक भैया है, इनको भी सपोर्ट करते रहिए, उनको लाइक सब्सक्राइब जो भी जितना बनता उतना कीजिए। बहुत दिन से सोचे थे जीजा से मिले, लेकिन आप फाइनली मिले। मेरे को बहुत खुशी मिले आपसे मिलने के लिए। आपको आप लोग बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए हम कल आए थे और आज रुक गए कि हम लोग मिल कर जाएंगे। बहुत अच्छा किया, लेकिन रुक गए आप। और इधर फाइनली मम्मी जी। नमस्ते मम्मी जी। कुछ रहो बेटा, और आप कैसे हैं बेटा? हाल चाल है तो सामने में आइए, गए मम्मी से भेंट करने के लिए। जब मम्मी सोच रहा था ये दीपू और दीपक दोनों बेटा आएगा सामने में, कितना कष्ट में रहेगा मम्मी, मम्मी के दुख दूर हो जाएगा बेटा सक देखते हुए। दीपक बेटा को आप सपोर्ट कीजिएगा, कहे जो राजा का भाई है, आए छोटा भाई है, इसको सपोर्ट करिए बहुत एकदम तहे दिल से। इसको सपोर्ट करिए, भी आगे बेटा बढ़ेगा, मम्मी का वचन नहीं कटिएगा, मम्मी का आशीर्वाद बेटा के साथ में। अरे भैया बता रहे थे कि मम्मी जी का अभी थोड़ा तबीयत खराब है, अभी ठीक है ना मम्मी जी? हाँ ठीक है, ठीक है। फिर पापा जी दाढ़ी शेविंग कर रहे हैं, तो चलिए आप लोगों को मिलवाते हैं। तो नमस्ते पापा जी। हेलो बच्चों, सबसे छोटा लड़का है हमारे राजा का दोस्त, लड़की हुआ। आपको एक निगाह से देखिएगा और आगे बढ़ाते रहिएगा। तो पापा जी आप सुबह सुबह यहीं पर बनाते, सैलून में चले जाते? नहीं है, हम सब दिन अपने हाथों से बनाते। सब दिन अपने हाथों से बनाते हैं? तो देखिए ये हमारे गांव में मतलब कलाकारी बोल सकते हैं, सब लोग अपने मतलब हाथों से बनाते हैं, ज्यादातर सैलून में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अभी ठीक है ना पापा जी? अभी ठीक। तो वाकई। और इधर ये बच्चे, क्या नाम है बाबू? नंदिनी, हमारी भांजी रही। हेलो बोल दो। हेलो, गुड मॉर्निंग। जीजा जी अभी पापा जी का सेविंग कर रहे हैं। किस तरह से सीखे हुए क्या जीजा जी बनाने के लिए अभी? अरे नहीं सीखे हुए, ये सब कॉमन बात है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये गांव का देसी अंदाज है, देखिए गांव में सैलून जाने की जरूरत नहीं है। जीजा जी अभी कैसे कर रहे हैं, ये कटिंग क्या कटिंग करते हैं? आप लोग को भी आना हो तो जीजा जी से करा ले। जीजा जी अच्छे से करते है ना? कर देंगे ना, कर देंगे। और इधर ये चाय नाश्ता और क्या बिस्कुट वगैरह है, तो हम लोग अभी बैठ कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम गए हुए थे धनबाद, वो भैया का घर गया था, तो उसका वीडियो मैं एक दो दिन के बाद डालूंगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ट्रेवलिंग करने के बाद पूरी थकान हो जाती है बॉडी में, तो अभी आकर लेटे हुए थे। अभी जो शाम का 3 बज रहा है, 3 बजे दीपू भैया का वीडियो अपलोड किया है। और सो गाइस, आप लोग दीपक भाई को सब काफ़ी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं। और गाइस हम लोग 3 दिन से ट्रेवल करके आए हैं, पूरा सही थका हुआ हम लोग, मतलब सो का मतलब उठ नहीं पा रहे हैं एकदम, करते करते जनरल में जाते हैं, बहुत स्ट्रगल करके जाना पड़ता है। और गाइस इसलिए भाई अगर हम दोनों लोग थक जाए और भाई को आप लोग सपोर्ट करके थोड़ा सा आप लोग प्यार दुलार बनाइए ताकि दीपक भाई आगे जाए। अभी देख सकते हैं ये कुछ रूम का नजारा है राजा भैया का। ठीक है, तो अभी काफी ज्यादा थके हुए। ठीक है, तो एक दो दिन सोच लेते हैं, क्योंकि यार थकान इतना है ना कि मत पूछो। दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा कि बस अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि यार पहले था कि मैं वीडियो बनाता था तो घर वालों को उतना उम्मीद नहीं था कि वो कुछ करेगा, लेकिन अब मैं अपने घर वालों को और अपने परिवार को दिला दिया हूँ और विश्वास भी करने लगे। मेरे फैमिली भी रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आप पे विश्वास करने लगे हैं। तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए भी दूं, ताकि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, मैं सुबह से 2 बार खा लिया हूं और दीपू भैया अभी बार 1 बार भी नहीं खाए हैं और राजा भैया भी एक बार भी नहीं खाए हैं। आप लोग कितना खाना में क्यों कंप्रोमाइज करते हैं? और रागिनी दीदी देखिए अभी खाना लेकर आई है, 2 बार घूर गई। दीदी आप ही बता दीजिए कितना बार घूरिए दीपू भैया के लिए? देखिए 2 बार घूर चुकी है। आप अपने घर के खाना बचाते हैं क्या? नहीं, इतना नहीं, लेट खाते हैं ना, मत पूछिए अभी। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों कि हम लोग डेली ब्लॉगिंग कर ब्लॉगर हुए हैं, तो प्रेशर रहता है दिमाग, क्योंकि अगर वीडियो अपलोड नहीं हो तो क्या होगा, कैसे अपने फैमिली को
जो है कुछ इंटरटेन कर पाए, तो इसलिए जो है मेहनत करने में लगे हुए रहते, तो खाना वाना सब कब खाना है पता नहीं चलता, भूल जाते हैं। वैसे दीपक भैया को हम दो बार खिला दिए क्योंकि उनको बोलते हैं अपना सेहत का ख्याल रखिए। दो बार अभी से दो बार खा चुके हैं दीपक भैया, दीपक भैया का पहला बार खा चुका है अभी, अभी एक बार खाने के लिए बोल रहे थे, मतलब कितना बार दिन भर कितना बार खाए, ठीक है। नहीं तो भैया को बोल रहे दीपक भैया को खाना खा लीजिए, क्योंकि खाना खाएंगे तभी तो हम लोग मेहनत करेंगे। डेली ब्लॉग शूट करना, ऐसे हाथों को पकड़े रहना, समझ रहे हैं आप, एक सही बात, खेल सा नहीं हो जाता, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, ऊपर से कंटेंट दिमाग में सोचना। तो दीपक भैया को भी सपोर्ट कीजिए, अगर आप मेरे थ्रू से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दीपक भैया का हो जाइए और इनका ब्लॉग को अगला में सपोर्ट करते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग देने वाले हैं आप लोग को। तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों बहुत टाइम के बाद अभी बाहर निकल रहे हैं क्योंकि रूम में काफी टाइम से सोए हुए थे। तो इधर देखिए राजा भैया का घर का बाहर का नजारा, ये तो आप लोग देखे ही होंगे, हटता ही है अधिकतर वीडियो में। फिर बहुत ज्यादा मक्के लगे पड़े हैं। अब जो हम कर रहे हैं क्या सर जी, इधर आपका इधर खेत कितना है, किधर है खेत? मेरा तो दिखाया था ना व्लॉग में, चार बीघा खेत है यहाँ का, ताड़ जो होता है फेमस बहुत ज्यादा, दीपू भैया बनाया व्लॉग। हाँ वो तो हमारा, मतलब हम तो बिहारी का है, दीपू भैया गोरखपुर का है, यूपी का है, यहाँ ताड़ एकदम मशहूर है बिहार में। अगर आप लोग आते हैं ना, सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा तरकुल का पेड़ देखने के लिए मिलता है, बहुत फेमस तरकुल, तरकुल ताड़ बोलते हैं। हाँ उसको हम लोग एक्चुअली उसको हम लोग तार बोलते हैं, जिसका ताड़े भी होता है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। भी बोलते हैं गांव हमारे इधर लोग तरकुल, तरकुल फल नहीं होता बड़ा। हाँ 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 वो तो नारियल टाइप का होता है, उसमें निकलता है। अच्छा एक चीज नहीं, रोडे हैं, ये जिस तरह से रोड गांव वाले बनवाए ना, थोड़ा जमीन देने में जो कंजूसी कर दी है हमारे गांव का, तो ये चीज मैं देख रहा था इधर कि हमारे साइड होता है क्या कि घर बन गया लेकिन जो है गली नहीं बना, लेकिन इधर ये अभी घर, उधर उधर ये, उधर घर है, इधर खेत है, लेकिन जो है घर बनने से पहले गली बन गया। ऐसा है ना कि मतलब खेत है, खेत के बीच में दो घर, फिर खेत है, फिर दो घर है, ऐसे करके। हाँ तो फिर भी गली बन गया है ना बहुत, लेकिन बहुत अच्छा गाँव है, तरक्की कर रहा है। लेकिन मक्का का खेती एकदम लगा हुआ है, कैमरा घुमाइए और गाई इधर देख सकते हैं आप लोग, हरियाली दिख रही है और उधर देख सकते हैं आप लोग सर्कल। यार गांव में रहने का तो यही फायदा है कि और गांव में, सो गाइस गांव में जब ये हरियाली देखते हैं ना कितना मनमोहक लगता है, एकदम प्यारा प्यारा, जैसे आप लोग को दिख रहा है हवा चल रहा है, तो एक ऐसे पौधे एकदम हिल रहे हैं, क्या अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज बताऊं, भले गांव में ही रहते लेकिन जब भी अगर दूसरा के गांव में आते हैं या तो कहीं दूसरे जगह फील होता है ऐसा कि अपना गांव, अपना गांव है, फील होता है बिल्कुल कि हम तो अपने घर पे हैं भाई। कोई एक्चुअली में हम लोग देसी स्टाइल से जिए हैं ना, तो कहीं गांव देखते तो लगाव हो जाता है, लगाव हो जाता है बिल्कुल। हाँ इतना राजा भैया का जमीन वहाँ तक, किधर तक है भैया, उधर तक इतना ही तक है, बस छोटा सा है यहाँ से लेकर के। हाँ और इतना ही बस तो देख लीजिए इतना ही जो खेत है, चार बीघा खेत है, चार बीघा, ये चार धूर बोलते हैं। अच्छा चार धूर है, सही माने में हमको खेती वेती का ज्ञान नहीं है। अरे हाँ वो सब अमीन का काम होता है खेती वेती के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे दीपक भैया के चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये है दिलीप, ये दीपू भैया है और हम तीनों भाई अभी मिलकर जो गाँव में मस्ती कर रहे हैं, तो आप लोग भी आइए इधर हमसे मिलिए, आप लोग भी मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे और भाई को पूरा फुल सपोर्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट से आप लोग अगर देख रहे तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा, अदर स्टेट से देख रहे तो पूरा फुल सपोर्ट कीजिएगा, और भाई का जो भी इंस्टाग्राम का आईडी होगा वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, 10K सब्सक्राइबर जो है आप लोग कंप्लीट करवा दीजिए, ताकि एक औदा तक पहुंच जाए, इनको भी फील हो कि हाँ हम एक काम कर रहे हैं तो हमको भी कुछ मोटिवेशन मिल रहा है। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए भाई को, और काफ़ी हार्ड वर्किंग करते हैं, क्योंकि भाई आप लोग समझ सकते हो कि एक गाँव का रहने वाला लड़का और जब कैमरा उठाता है तो सपना बहुत बड़ा दिख रहा है, और शायद आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो सपना एकदम टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो हम लोग कहीं के नहीं होंगे। तो प्लीज गाइस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और भाई को आगे बढ़ाइए। तो सबसे कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलता है आपका भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।